वेलकम टू एसएससी मैथमेटिक्स अड्डा फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 18 जैन 2017 शिफ्ट 3 के सीएचएसएल का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारे से। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपने को इनइक्वालिटी जो गिवन है वो दो इनइक्वालिटीज हैं, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा तभी हम एग्जैक्ट आंसर की तरफ पहुंच पाएंगे। एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। 3x, पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी के फर्स्ट पार्ट को ले रहे हैं। 3x प्लस 20 माइनस 15x इज ग्रेटर देन 2 माइनस 4x। अब x की टर्म को एक तरफ ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 12x प्लस 20 इज ग्रेटर देन 2 माइनस 4x। अब इस माइनस 4 को भी हम इधर इस प्लस माइनस वाले को इधर ले आते ताकि प्लस में हो जाए और इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 18 इज ग्रेटर देन 12 में से 4 गए 8x। तो 4 बार चला गया, 9 बार चला गया, 2 बार चला गया, 4.25 इज ग्रेटर देन x, यानी x जो होगा वो ये तो नहीं हो सकता। चलो एक और इनइक्वालिटी को सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी हम खाली एक की कंक्लूजन तक पहुँचे। दूसरी इनइक्वालिटी क्या कह रही है, वो ये कह रही है 2 माइनस 4x इज लेस देन 3x माइनस x बटे 3। तो इस 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे कैल्शियम लेके तो ये हो जाएगा 6 माइनस 12x इज लेस देन 9x माइनस x। तो यहाँ पे हो जाएगा 8x 6 माइनस 12x। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6 इज ग्रेटर देन 6 इज लेस देन 20x एंड x इज इक्वल टू 3/10 या 0.3। x जो है 0.3 से भी लेस है, कहीं कुछ मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी 20, ठीक है, यानी x 0.3 से बड़ा है। 0.3 x से छोटा है मतलब x 0.3 से बड़ा है। तो 0.3 से बड़ा हमारे पास ऑप्शन एक ही बचा 2, क्योंकि माइनस से तो बड़ा है ही, 0 से भी बड़ा है और 3 हो नहीं सकता। तो आंसर बचा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो कि 2 है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है At 9% discount, the selling price of a washing machine is 14,000. What is the selling price if discount is 22%? ठीक है फ्रेंड्स, 9% डिस्काउंट का मतलब क्या है कि हमने 91% पैसा लिया, तो 91% पैसे का मूल वैल्यू दे रखी है 14,000, ठीक है। और 22% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, यानी कि 78%। तो हमें 91 की वैल्यू दी है, 78 की वैल्यू निकालनी, तो ये क्या हो जाएगा 14,000 इंटू 78 अपॉन 91, 13 × 78 13 × 91। तो 7 से 2 बार चला गया, 2000 × 6 12000 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए राइस ट्रेडर बायस 22 क्विंटल ऑफ राइस फॉर इतना 24% राइस इज लॉस इन ट्रांसपोर्टेशन, एट व्हाट रेट शुड ही सेल टू अर्न 30% प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, हम कैसे कर सकते हैं, अपने को 22 क्विंटल का भाव दे रखा है 3344 और ये दोनों ही नंबर 11 से कटते, तो अगर 11 से काट लेते 2 से चला गया, ये आ गया 304, ठीक है। नहीं, 2 किलो का मान आ गया 304, तो 1 केजी का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 152, ठीक है। अब ये हमने मान लिया कि हमने 1 केजी ही खरीदा है, ठीक है, ये इस 22 क्विंटल को छोड़ो, हम खाली 1 केजी से भी आंसर के आसपास पहुंच जाएंगे। अब ये कह रहा है कि 1 केजी का मूल्य 152 रुपीस है और इसमें से 240 मतलब 24% ख़राब हो गया, यानी कि हमारे पास 1000 ग्राम था और उसमें से 240 ग्राम वेस्ट हो गया, तो बचा कितना होगा, बचा होगा हमारे पास 760 ग्राम,
यानी 760 ग्राम से अब अपने को 152 रुपीस का 30% प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। इसे कर देते 1.3 अपने को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मगर अपने को पर केजी का प्राइस निकालेंगे तो 750 का आ जाएगा। इसको 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं इसको कैलकुलेट करके। अभी जो हमने फ्रेंड से कैलकुलेट किया था पहले, ये 760 ग्राम का प्राइस था जिसमें अपने को 30% प्रॉफिट हो रहा था, मगर क्वेश्चन में हमसे पर क्विंटल पूछा इसलिए मैंने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको काटना है तो ये 5 × 2 = 10, तो ये 5 बार चला गया इससे, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो 5 को अगर 1.3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.26, और अगर हम 0.26 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 260 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 260 पर क्विंटल, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा सही है। ओके, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही है, तो देखना है माइनस फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे माइनस 2ab तो नहीं हो रखा तो ये आंसर सही नहीं हो सकता। ये प्लस का प्लस वाले में सारे के सारे साइन प्लस में होता तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगेन इसमें 2ab नहीं तो ये भी आंसर नहीं हो, तो ये आंसर अपना यही ठीक हो जाएगा, क्योंकि बस अपने को फॉर्मूला खोल के देखना है, ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉइंट पी ए बी इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन टू पी वन एंड पी वन इज रिफ्लेक्टेड टू एक्सिस वाई एक्सिस टू 5 - 4, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये है कि बीच में जितनी बार रिफ्लेक्शन हो रहे हो ना उन सबको भूल जाओ, चाहे वो पी वन से पी टू में भी हो रहा होता, पी टू से पी थ्री में भी हो रहा होता, और उसके बाद वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता, तो हमें कुछ भी नहीं करना होता। अपने को बीच में जितने भी रिफ्लेक्शंस हैं, फाइनल रिफ्लेक्शन से जितने भी पहले रिफ्लेक्शन हो रहे हैं उन सबको भूल जाते हैं, बस अपने को फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट से मतलब होता है, ठीक है। अभी वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन होने के बाद ये 5 और -4 में पहुँच गया, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये y एक्सिस में रिफ्लेक्ट होने के बाद पहुंच गया 5 और -4 में, ठीक है। अब अपने क्या क्या कह रहा है, p के कोऑर्डिनेट्स अपने को निकालने हैं, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा हमें कुछ भी नहीं करना, अपने को जो भी पहले के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना सबको पॉजिटिव कर देना है। तो इसका अभी x का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, x का कोऑर्डिनेट प्लस फाइव दे रखा है और y का -5 दे रखा है, तो जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं ना सारे के सारे प्लस में हो जाएंगे 5 और 4, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा रिफ्लेक्शन होने के बाद, क्योंकि बीच के जितने भी रिफ्लेक्शन हैं हमने सारे निगेट कर दिए थे, तो लास्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, 5 और 4 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ए मिसाइल ट्रेवल्स एट 1350 किलोमीटर प्रति घंटे, व्हाट हाउ मेनी मीटर इट डज इट ट्रेवल इन 1 सेकेंड। तो सिंपल क्वेश्चन है, 1350 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 375। कई बार रिपीट हो चुका है तो मेरे को इसका आंसर भी याद हो चुका है ऐसे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको भी यही करना है इस क्वेश्चन में कि जो भी किलोमीटर पर आवर में दे रखा हो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, टेन 330 इज इक्वल टू एक्स वैल्यू ऑफ टेन वैल्यू ऑफ एक्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गया फ्रेंड्स,
यानी कि जो हमारा एंगल है वो कहीं ना कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो हम आपको ये भी मालूम है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन माइनस का होता है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो माइनस में होगा। अब एक बार एंगल देख लेते हैं, हम टेन 330 को क्या लिख सकते हैं, टेन 330 को लिख सकते हैं 270 प्लस 60, यानी कि ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट 60 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और कॉट 60 क्या होता है, 1/√3, मगर आंसर माइनस का आना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा -1/√3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3/4 + 8/9। 3/4 + 8/9, जैसे हम इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 36 नीचे, तो जिस भी ऑप्शन में नीचे 36 होगा वो आंसर हो जाएगा, बाकी कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन में है 36, ऑप्शन नंबर 3 में। बाकी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, 9 * 27 + 32, अब अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो ये 59/36 हो जाएगा, मगर पेपर में क्यों फालतू में 5 सेकंड वेस्ट करने, जब अपने को एक ही अप्रोच से हम क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एलसीएम लेना था बस। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन ए अपॉन √1 - sin² = x, एक्स की वैल्यू निकालनी है, 1 - sin² x क्या होता है, cos² x, तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स अपॉन √cos² x, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट शहीद हो गया, तो ये बच्चा साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, और ये हमारा आंसर भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके अपने को क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, अपने को इस वैल्यू कैलकुलेट करें, जो अपने को ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि 1 - cos A / 1 + cos A की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो ये हमें इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, परिमेयीकरण, तो हम क्या करते हैं इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन को चेंज करके, तो ये हो जाएगा 1 - cos θ / 1 - cos θ, ये पूरा अंडर रूट में ही है, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 - cos / sin² और ये पूरा अंडर रूट में, इसे शहीद हो गया, और 1 - cos / sin। अब क्वेश्चन में ऑप्शन इस तरह के नहीं दे रखे, तो अपने को इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अब हम इसी चीज़ को एक चीज़ और लिख सकते हैं, हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं sin / 1 + cos। अगर ये चीज़ आपको मालूम है तब इस क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व किए, फर्दर सॉल्व किए आप कर सकते हैं, वरना आपको टाइम लगेगा। और फिर हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके द स्लोप ऑफ टू लाइंस आर 1 and 1/3, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। फ्रेंड्स स्लोप क्या होता है, स्लोप m होता है tan थीटा, तो अपने को दो लाइन दे रखी है, एक में टेन थीटा की वैल्यू 1 है और एक में टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 है, तो टेन थीटा 1 कब होता है, जब एंगल होता है 45 डिग्री, और टेन थीटा 1/√3 कब होता है, जब एंगल की वैल्यू होती है 30, यानी कि दो लाइनें जिनका स्लोप एक तो 45 बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और एक 30 डिग्री बना रहा है, तो इन दोनों लाइन्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 15, 45 - 30 = 15, तो आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके द्विघाती समीकरण के मूल निकालने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, हमें क्या करना होता है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है ना उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इस तरह से ब्रेक करना होता है दो नंबर्स में कि उनका सम 37 आ जाए, तो हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो अपने को क्रिएट क्या करना है, -37 क्रिएट करना है, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 28 * 21, तो हम एक बार ब्रेक कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया 7 * 28 + 7 = 21, अब अपने को इन चारों नंबर से मिला के किसी तरह से हमें -37 लाना, तो हम कैसे ला सकते हैं, 7 * 7 = 49 + 4 = 12, तो -49 + 12, ठीक है, तो ये कैसे आ जाएगा, -49 + 12, मगर स्टार्टिंग में 21 था तो 21 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3
सात तीय 21, सत्तू सत्तू 49, ठीक है, और तीन सत्तू 21, तीन चौक 12, तो हमारे जो फाइनल रूट्स आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्चुअल में भी हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, -7/3 और 4/7, जो एक्चुअल आंसर आएगा ना अपने को उसका साइन चेंज कर देना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 7/3 और -4/7, ये इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा साइन चेंज करने के बाद, और हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दे रखा है ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल ऑफ लेंथ 25 मीटर एंड ब्रेथ 2 मीटर हैज ए यूनिफॉर्मली स्लोपिंग फ्लोर। इफ इट इज 2 मीटर डेप्थ इन वन साइड एंड 3 मीटर ऑन द अदर। ओके, अपने को ऐसा दे रखा है कि एक अपने पास रेक्टेंगल शेप का पूल था और अपने को साइड दे रखी है रेक्टेंगल 12, ये 12 दे रखा है और ये 25 दे रखा है, ठीक है, मगर इसका जो डेप्थ है वो एक तरफ से तो 2 मीटर है और एक तरफ से 3 मीटर है, तो इसका वॉल्यूम निकालना है अपने को इस पूल का, कितने पानी में ये भरेगा, मतलब वॉल्यूम में निकालने की बात हो रही है। फ्रेंड हम इस पूरे शेप को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक पार्ट में तो एक हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन है 2 × 12 × 25, क्योंकि ये वाला दो ये हमने पैरेलल लाइन खींची है इसके ताकि ये क्यूबॉइड बन जाए, ठीक है, तो ये पूरा जो वॉल्यूम हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ये कितना आ गया 25 × 50, 50 × 12 = 600, यानी इतने से का मान तो हमारा 600 आ गया। अब अपने को इस ट्राइंगल वाले पार्ट का एरिया निकालना है और ये लेंथ 25 है और ये हाइट 1 बची हुई है, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है ऊपर से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हो जाएगा ये 1/2 × 1 × 25, मगर फ्रेंड्स अपने को इतने से पार्ट का एरिया नहीं वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस, इसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस है 12, तो ये तो पार्ट हो जाएगा एरिया, अब थिकनेस है 12 इंटू 12 कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा ये 600 है, तो यहाँ से कितना आ गया 150, 150 आ गया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 600 + 150 = 750, और ये हमारा आंसर हो गया और ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीयूष हैज डन 1/3 ऑफ ए जॉब इन 30 डेज, संजीव कंप्लीट रेस्ट ऑफ द जॉब इन 60 डेज, ओके इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन डू द जॉब, दोनों को मिलकर कितना समय लगेगा। फ्रेंड्स हमने मान लिया कि काम 3 ही है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक काम 30 दिन में कर दिया पीयूष ने और बचा हुआ दो काम 60 दिन में कर दिया, तो हमने 3 काम माना था, तो अगर पीयूष 3 काम करता तो उसको समय लगता 90, अगर दूसरा वाला बंदा संजीव भी अगर 3 काम करता तो भी उसको समय लगता 90, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, ठीक है, और जब दोनों की एफिशिएंसी बराबर है तो हमें क्या करना होता है, जो भी हमने काम माना होता है उसको 2 से भाग कर देना होता है, तो 90/2 कितना आ जाएगा, 45 आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन था, तो आंसर आ गया अभी 45 डेज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके अगला क्वेश्चन कह रहा है एन एंगल इज ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल, कोई एक, अच्छा पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि फ्रेंड्स दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये कह रहा है कोई कोण अपने कॉम्प्लीमेंट्री से डबल है, यानी कि 2α + α = 90 डिग्री, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, मगर अपने पेपर में वैल्यू पूछी गई है 2α के, तो 2α की वैल्यू है 60, तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था एन एंगल इज ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, तो जो अपने को वैल्यू ट्वाइस की निकालनी है इसलिए हमने ट्वाइस की वैल्यू निकाली है, आंसर आ जाएगा 60 डिग्रीज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है
the first and the last term of AP are 33 and 57 minus 57. What is the sum of the series if it has 16 terms? The formula kya hota hai? N by 2 into A plus B. N kya hai? Total number of terms. Aur A aur B first aur last term de rakhi hai. To N ki value bhi 16 hai, to 16 by 2. First term hai 33. Aur second term hai minus 57. तो जो भी आंसर होगा वो माइनस का होगा और अपने को उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 इनटू अच्छा सारे ऑप्शन माइनस के इधर रखें तो फिर सवाल करना पड़ेगा अपने को मल्टीप्लाई कैसे करनी है 24 से माइनस में तो 8 चौक 32 आखिरी में दो आना चाहिए माइनस में एक ही में ऑप्शन नंबर 2 में यही इसका आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ओके अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 27 is 3.6% of what? Okay. अपने को दे रखा है 3.6 बटे 100x बराबर 27. ठीक है? तो x निकालना है. X is equal to 27 into 100 upon 3.6. इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर एक 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो 9 3 27 9 4 36 ये 250 बार चला गया. तो 750 आंसर आ गया. 250 3 750. ऑप्शन नंबर फर्स्ट. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. ओके प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ गया इन ए काइट मैं आपको उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ ये काइट है आप लोगों ने उड़ाई भी होगी काइट की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो कंटिन्यूस दो साइड्स होती है ना जैसे मैं पहले इसका नाम देता हूँ ए बी सी डी जो इसकी साइड ए बी होगी वो साइड बी सी के बराबर होगी और साइड ए डी जो होगी वो साइड सी डी के बराबर होगी मैं लिख भी देता हूँ ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी इक्वल टू डी सी बट ए बी इज नॉट इक्वल टू ए डी ठीक है अब जो इसके डायगनल्स हैं जो इसके विकर्ण हैं वो आपस में 90 में इंटरसेक्ट करते हैं सारे 90 में इंटरसेक्ट करते हैं मगर जो डायगनल ए सी है ना छोटा वाला डायगनल है वो बराबर बराबर भागों में डिवाइड होता है अगर हम इस पॉइंट को ओ मान लें तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी बट ओ बी इज नॉट इक्वल टू ओ डी ठीक है और एक प्रॉपर्टी और है इसकी एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी होती हैं काइट की एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ बट एंगल ए डी सी इज़ नॉट इक्वल टू एंगल ए बी सी ये दोनों एंगल बराबर नहीं होते बस ये दोनों एंगल बराबर होते हैं अब पूछ लेते हैं इसमें से कौन से प्रॉपर्टी उन्होंने दे रखी है वही आंसर हो जाएगी एक बार पढ़ लेते हैं डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर तो ये तो गलत हो गया क्योंकि खाली परपेंडिकुलर तो है मगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है क्योंकि बी ओ इज़ नॉट इक्वल टू ओ डी तो ये कट गया शहीद हो गया बोथ डायगोनल्स आर बोथ डायगोनल्स फॉर्म टू कॉन्क्रूएंट ट्राइंगल्स नहीं ये भी नहीं हो रहा टू पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव साइड्स आर पहला ही ऑप्शन है ये कह रहा है कि क्रमागत भुजाएं बराबर हैं तो देखो दो क्रमागत भुजाएं बराबर है ए बी इक्वल टू बी सी है एक पेयर हो गया और ए डी इक्वल टू डी सी है दूसरा पेयर हो गया यानी कि दो पेयर है तो पहला ही आंसर आ गया बाकी सारे के सारे गलत हैं बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है ठीक है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार स्क्रीन क्लियर कर दें पहले ओके अगला क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ सोपान प्लस गुरुप्रसाद प्लस रीमा बराबर 65 गुणा 3 क्योंकि एवरेज है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा कितना 6 3 18 180 15 बराबर 195 इन तीनों का वेट 195 हो गया इफ़ एवरेज वेट ऑफ सोपान एस प्लस जी का कितना दे रखा है 67 तो 2 से गुणा करके 6 दूनी 12 120 और 14 134 तो इन दोनों का 134 आ गया अब कौन बचा है जी और आर जी प्लस आर का दे रखा है 57 तो 57 दूनी 114 हो गया 114 अब हमसे हाँ ठीक है किसका पूछा हुआ है हमसे गुरु प्रसाद का भार पूछा हुआ है जी और आर का वेट है 114
और एस जी आर का 195, तो एस का वेट कितना हो जाएगा, एस का वेट हो जाएगा 195 माइनस 114, यहाँ से आ जाएगा 114 घटा देते हैं, 5 में 4 गया 1, 9 में 6 गया 8, 81, एस का वेट 81 आ गया। और अब अपने को जी का निकालना है, तो अपने को पता चल गया कि एस और जी का तो 134 है और एस का 81 है, तो 134 माइनस 81 यानी कि आखिरी में 3 बचेगा, देख ले, ओके 2 में है, पूरा माइनस कर देते हैं, 13 में 4 गए 5, 53 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ए बैंक ऑफर्स 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर हाफ ईयर, एक कस्टमर डिपॉजिट 9600 ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, एक बार देख लिया साइड में कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, एट द एंड ऑफ ईयर, ओके कुछ भी नहीं है, द अमाउंट ही हैव गेन्ड, ओके फ्रेंड थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, मैं आपको इसका एक अप्रोच बताने वाला हूँ, मैं फॉर्मूले से आपको नहीं सॉल्व करवाने वाला, एक अप्रोच ध्यान से देखेंगे। अपने को दे रखा है एक इंसान को 5% ब्याज मिलता है हर आधे साल में, ठीक है, और उसने हर आधे साल के इंटरवल में 2 बार पैसे जमा कराए 9600 रुपये, एक जमा कराए 1 जैन को और एक जमा कराए 1 जुलाई को, ठीक है, यानी कि जब उसने 1 जुलाई को और पैसे जमा कराए होंगे उस टाइम तक इसके आधे साल हो गया होगा इस पैसे का, तो इस पैसे को पैसा मिल गया होगा 5%, वो कितना होता है 9600 का 10% होता है 960, और 960 का आधा हो जाएगा 480, यानी कि इसकी वजह से 480 रुपये मिल गए होंगे इसको, ठीक है, इस फर्स्ट 6 मंथ में 480 रुपये मिल गए होंगे। अब जब साल का अंत हो जाएगा तो इसकी वजह से भी 480 मिलेंगे इस वाले पैसे की वजह से, मगर साल के अंत में इसकी वजह से भी तो उसको उतने ही पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि एक और अमाउंट पहले से ही बैंक में ऑलरेडी जमा है, इसकी वजह से कितने हो जाएंगे 480, मगर साल के अंत में अपने पास एक इंटरेस्ट और भी है, इसकी वजह से भी 5% उसको मिलेगा, और इसकी वजह से 5% हो जाएगा 24 रुपये, यानी कि जो भी आंसर होगा उसके आखिरी में 4 होना चाहिए, देख लो, क्योंकि 3 बार तो 0, आखिरी में 1 बार 4 है, तो 4 किस में आ रहा है, एक ऑप्शन में है, क्योंकि अपने को ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, तो अपने पास ये इंटरेस्ट था तो इसके ऊपर भी तो लास्ट में इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसका इंटरेस्ट हो जाएगा 5%, 24 रुपये। अभी बस को जोड़ लेते हैं, आएगा तो खैर इतना ही, फिर भी देख लेते हैं एक बार, 480 और 24, ये बचा 8 24 और 2 26, 4 8 12, 2 4 8 12 2 14, 1464 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एक मेले की प्रविष्टि की टिकट का दाम 3:5 की में वृद्धि हो गया, मेले में आने जाने वालों की संख्या 7:2 में कम हो गई, कुल वृद्धि या कमी का संकलन कीजिए। फ्रेंड जब भी ऐसे दो रेशियोज में क्वेश्चन आ जाएंगे ना, हमें करना क्या होगा, उन रेशियोज को एक के बाद एक करके लिख लेना पड़ेगा, कैसे, जैसे पैसे का मूल्य था का अनुपात था 3:5 और आने जाने वाला का अनुपात था 7:2, ठीक है, ये था संख्या जितना हमने पैसा लिया, पैसे की संख्या पैसा, और ये थे लोग, और मूल्य क्या होता है, मूल्य बराबर पैसा इंटू लोग, ठीक है, तो इन दोनों से गुणा कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7 3 21 और ये 5 2 10, यानी पहले अपने को 21 रुपये मिलते थे, अब 10 रुपये मिलते हैं, यानी कि कमी हुई है, तो आंसर क्या आना चाहिए, डिक्रीज इन रेशियो 21:10, क्योंकि पैसे पहले 21 रुपये मिल रहे थे, अब 10 ही मिल रहे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अपने को किसी क्लासेस के लड़के और लड़कियों का रेशियो नंबर दे रखा है, अपने को क्या निकालना है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात निकालना है, यानी कि इनको ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर लेते हैं, 30 और 20 50 50 40 90 90 10 100 100 और 70 170, ठीक है,
ये कितना हो जाएगा, 40 40, वो 70 100 60, ये हो गया 37 100, 115, 115 उधर से 125, 125 उधर 165, 165। अब ये 5 से भाग हो सकता है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से अगर हम भाग करेंगे तो ये 34 बार जाएगा, ये 33 बार जाएगा, तो अनुपात आ गया 34:33। एक बार देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। बिल्कुल ऑप्शन दे रखा है, ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अभी जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, इस क्वेश्चन की महानता ये है कि इसमें जो डेटा दे रखा है ना, वो कम्यूटेटिव डेटा दे रखा है। कम्यूटेटिव से में क्या होता है, इसे प्रीवियस वाला डेटा इसके अंदर जुड़ा हुआ होगा, जैसे कि अभी दे रखा है 0 एंड अबव 108 दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि 0 एंड अबव 108 है, इसका मतलब ये है कि 0 से ऊपर जितने भी लोग हैं ना, वो सब इसके ऊपर ऐड हैं, तो खाली 0 वाले कितने होंगे, अगर हम ठीक इससे ऊपर वाले इसको इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। और अपने को निकालना किसका है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स 20 बट लेस देन, यानी कि इनका निकालना। तो मैं आपको डेटा कैलकुलेट करके बता देता हूँ, मगर पेपर में आप लोग खाली इन दोनों का ही निकालना, ठीक है। अपने को दे रखा है एक 0 से अबव 108 है, मगर 10 से अबव 92 है, तो 0 वाले कितने होंगे, 8 और 8 16, तो यहाँ पे आ गया 16। अब दे रखा है 10 से ऊपर वाले 92 हैं और 20 से ऊपर वाले 67 है, तो 10 से ऊपर वाले कितने हो जाएंगे, यानी कि जिनके 19 तक हैं उतने अपने को 92 से 67 माइनस कर देंगे, 5 आ गया 25, तो ये 25 हो गया, ठीक है। अब इससे ऊपर 39 तो ये हो जाएगा 28, इससे ऊपर 21 है तो ये हो जाएगा 18। तो अब अपने को इन्हीं दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 28 प्लस 18, 46 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके ऑप्शन पहले मैच तो कर ले, ऑप्शन भी दे रखा है 46, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके इसमें जीडीपी भी पूछेगा, अपने को किसी देश की जीडीपी दे रखी है 5 सालों की, और दे रखा है इफ़ द जीडीपी ऑफ ए कंट्री वाज 8 ट्रिलियन इन द एंड ऑफ 2013, 2013 में जीडीपी 8 ट्रिलियन थी, तो 2015 की शुरुआत में कितनी रही होगी। फ्रेंड्स एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन में दिया हुआ है बिगिनिंग ऑफ 2015, बिगिनिंग ऑफ 2015 का मतलब क्या होता है, 2014 के आखिरी में, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा जीडीपी है वो 8% कम हो गया, क्योंकि 2014 के अंत में 8% कम हो गया है। हमने मान लिया कि अगर 2013 की जीडीपी अगर 100 रुपये होती, ठीक है, तो 2014 के अंत में कितने रह जाते, 92, क्योंकि 8% की कमी आई है, मगर अपने को पेपर में 800 रुपये दे रखे हैं, ये इंटू 8, तो इसको भी 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो 8 2 16 9 72, तो ये हो जाएगा 7.26 ट्रिलियन हो जाएगा। ओके ये 3 आएगा, 7.36 हो जाएगा, अगर हम 92 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.36 आता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने को किसी स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दे रखे हैं, और ये बोला हुआ है कि पुअर अटेंडेंस की वजह से हर एक सब्जेक्ट में से 5 नंबर काट लिए जाएंगे, तो हमें करना क्या होगा, हमें इसका निकालना है एवरेज 5ों का। तो पहले अपने को इन सभी को ऐड करना पड़ेगा, ऐड करके जो भी आंसर आएगा उसमें से 25 घटा देंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट में से 5 नंबर काट लिए गए हैं, और जो भी आंसर आएगा उसको 5 से भाग कर देंगे। तो एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है, तो ये कितना हो गया, 80 125 125 और 5 130 और 50 180 180 और 60 240, 305 हो गए, 305 में से माइनस 25 करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 280। अब 280 को 1 2 3 4 5 7 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 55 25 56 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और जाने से पहले सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि फ्यूचर के आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट।